भाई संजय नेगी जी, मठोर सिंह राठौर जी, इस मंडल के अध्यक्ष हमारे यहाँ के अंबेडकर मंडल के श्री विजय थापा जी, विशाल गुप्ता जी, पूनम नोटियाल जी और विजेंद्र थपलियाल जी एवं सभी आए हुए हमारे सभी पदाधिकारी गण, सभी पार्षद गण इस कार्यक्रम में पधारे, सभी अतिथि गण जो आज हमारे इस दिव्यांग दिवस के अवसर पर हमारे सब दिव्यांग भाई बहनों का प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम जिसमें हमारे सभी दिव्यांग भाई बहनों को आज हम सब के हाथों जहाँ उनका सम्मान करवाया, उनका प्रोत्साहन करवाया, जिनके निमित्त ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, सभी मेरे दिव्यांग भाई बहन, मैं बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल और समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से फिट रहें, हर प्रकार से आप स्वस्थ एवं मजबूत रहें, प्रसन्न रहें, कुशल रहें और देश एवं प्रदेश के लिए लगातार अपना योगदान देते रहें। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर कि आप सब लोगों ने जो राज्य दक्षता पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले सभी हमारे दक्ष कार्मिकों को, सेवायोजकों को, मैं सबको अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, हमारी सरकार सेवा और सहयोग के भाव के साथ हमारे दिव्यांग भाई बहनों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है, लगातार कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार दिव्यांगजनों के लिए लगातार काम हो रहा है, लगातार उनके बारे में चिंतन हो रहा है, लगातार उनके बारे में गंभीर रूप से कि वो कैसे मुख्यधारा में आए, उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही लगातार काम किया है और बहुत सारे नए नए उपक्रमों को दिव्यांगों के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम हुआ है। राज्य सरकार भी दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं और संकल्पवत हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें हमारे दिव्यांग भाई बहनों ने ऐसी ऐसी मंजिलों को तय किया है, ऐसे ऐसे रास्तों को तय किया है जो कठिन ही नहीं, जिनको हम कह सकते हैं कि नामुमकिन थे, उनको भी उन्होंने मुमकिन करके दिखाया है। ये केवल और केवल दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर, अपने संकल्प के बल पर, परिश्रम के बल पर, और जो स्थिति हो, जो परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में भी एक ही मंत्र काम आता है कि कैसे रास्ता निकाला जाए। क्योंकि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है, ये एक प्रकार का जो भी हमारे सामने परिस्थिति पैदा हुई है, हमको यही सोचना है कि जो परिस्थिति हमको मिली है, जो भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, सृष्टि के द्वारा हमारे सामने उत्पन्न हुई है, उस स्थिति में हम कैसे रास्ता निकाल सकते हैं। और भगवान का नाम लेकर ईश्वर के प्रति अपने आप को पूरी तरह से कि मैं कुछ नहीं हूं ईश्वर, जो कुछ है तू ही है, हम तेरे ही अंश हैं, हमारे जो कष्ट हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो मुश्किलें हैं, वो सब तुम्हारी हैं, ऐसा मानकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि दिव्यांगता बल्कि अभिशाप नहीं होगी, बल्कि एक हमारा यह जीवन भी सफल हो जाएगा
और जो भी हम काम करना चाहते हैं वो हम काम कर पाएंगे। अपनी दिव्यांगता को भूलकर आगे बढ़ने का जो हौसला है वह आपको समाज में सबसे आगे खड़ा कर देगा, सबसे आगे ले जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अभी पुर्तगाल में पैराबेट में टीम में हमारे भाग लिया है। मेरे पास वहां जाने से पहले भी आप सब लोग मिले थे, क्रिकेट के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में। अभी आप एक राजेंद्र सिंह का नाम ले रहे थे, वो शायद आए नहीं हैं आज, लेकिन बहुत अच्छा काम जगह जगह किया है मनोज सरकार ने, ऐसे अनेकों लोगों ने, अनेकों उदाहरण यहाँ पर भी आप सब लोगों को जिनको हमने सम्मानित किया है, अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है। आपको अपनी और सोच में और विचारों में हमेशा जो है एक ही चीज़ को रखना है कि हम सकारात्मक सोचें, हर समय सकारात्मक रहें। पॉजिटिविटी आने से अगर अच्छा सोचेंगे तो निश्चित मानिए कि जो हमारा विज्ञान भी कहता है, हमारा अनुसंधान भी कहता है, हमारी जितने भी देवी भागवत हैं, ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे विद्वानों के द्वारा रचित जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, उन सब में कहीं ना कहीं ये ज्ञान लिखा है कि अगर हम अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो हमारा शरीर भी उसी दिशा में चला जाएगा। सारे जो हमारे हार्मोन हैं उनका सिक्रीशन भी जो है वो पॉजिटिव रूप में होना शुरू हो जाएगा। भाइयों बहनों, आपने सुना होगा, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।